भोपाल में बाबड़िया कला के पौश इलाके चंद्रिका हाउसिंग सोसाइटी में सड़क निर्माण ना होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम सहित सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस इलाके में स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन असामाजिक तत्व यहाँ सक्रिय रहते हैं, जिससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। सरकार विकास और कानून व्यवस्था सुधारने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। भोपाल में चंद्रिका हाउसिंग सोसाइटी में सड़क निर्माण नहीं होने से रहवासियों में काफी रोष है। कहने को तो ये राजधानी भोपाल का पौश इलाका है, लेकिन यहाँ लगभग 15 सालों से ना तो सड़क का निर्माण हुआ है और ना ही स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। पत्थरों और धूल से भरी इस सड़क को देखकर नहीं लगता यह राजधानी भोपाल की सड़क है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार नगर निगम राजधानी परियोजना को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन बेपरवाह अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारी सड़क निर्माण करने के बजाय एक दूसरे पर टाल रहे हैं। रहवासियों ने खुद सड़क पर मिट्टी डालकर जैसे तैसे सड़क को चलने लायक बनाया है, लेकिन बरसात आते ही वह सड़क पूरी तरह धस गई। महिलाओं ने बताया कि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, आए दिन यहाँ असामाजिक तत्व सक्रिय रहते हैं। इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाएं और बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी की सड़क में सैकड़ों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं, जिससे लोगों के घरों में धूल और मिट्टी पहुंच रही है। यहाँ पे रोड की आप लोग हालत देख रहे हैं, बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं। जैसे यहाँ पे रात को लोग आकर के दारू पीते हैं। इवन हम लोग इतने रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर लोग हमारे घर के सामने बच्चों के सामने आकर टॉयलेट कर रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लाइट्स नहीं है, जिससे बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे। कोई कैंपस नहीं है प्रॉपर, अभी बच्चों के समर कैंप स्टार्ट हो रहा है, बच्चे कैसे करेंगे आउटडोर एक्टिविटीज़। कोई प्रॉपर स्पेस नहीं है, इतनी डस्ट। आप बोलते हैं क्लीन इंडिया करिए, क्लीन भोपाल हम फर्स्ट नंबर में लाएं, बट आप रोड की हालत देखिए, हम कहां से उसको फर्स्ट नंबर में रैंक में लेके आए क्लीन इंडिया। बताइए आप रोड की हालत देखिए, आए दिन रोड जितना इम्प्रूव करना चाहिए उसको और वर्स्ट कंडीशन में ला रहे हैं। सर यहां पे शुरू से ही रोड नहीं है, यहां पे रोड नेटवर्क ही नहीं है। 80 फीट चौड़ी रोड है, कम से कम 500 से 600 परिवार यहां पे आगे निवास कर रहे हैं, और बारिश में तो यहां पे तालाब जैसा बन जाता है। घरों के अंदर भी हमें मतलब पांव पानी में डूब के ही जाना पड़ता है। वो कीचड़ इतना रहता है कि गाड़ी चलना मुश्किल, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। रात में अंधेरा रहता है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। इसके पहले भी सबसे बात करिए, जनप्रतिनिधियों से बात की गई है, नगर निगम में भी आवेदन दिया गया है, परंतु ये बहाना बनाया जाता है कि साहब ये नगर निगम जो है हैंडओवर कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है। 10-15 साल से देख रहे हैं, एक बार भी रोड नहीं बनी है यहाँ, और गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इसी रोड से जाती है। बहुत धूल से भी परेशान है, रोड से भी परेशान है। कितने लोग गिरते फिरते रहते हैं, कोई अस्पताल लेके जाते हैं उनको। इलाके में शहर जैसी कोई सुविधा नहीं है। यूं तो स्वच्छ भोपाल बनाने की कवायद की जा रही है, लेकिन जब इलाके के अंदर जाकर लोगों से पूछताछ की गई तो लोगों ने बताया कि स्वच्छता और विकास के नाम पर सिर्फ वो टैक्स पे कर रहे हैं। कॉलोनी से सटे नाले की भी सफाई नहीं की गई है। नाले में गंदगी इतनी कि लोगों का घरों में रहना दूभर हो गया है। आए दिन लोगों के घरों में सांप घुस जाते हैं, जिससे लोगों की जान पर बनाई है। लोग इस गंदगी और डर भरे माहौल में रहने को मजबूर है। कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत और आवेदन सीएम हेल्पलाइन सहित स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद और नगर निगम को भी की, पर जिम्मेदार अधिकारी और प्रतिनिधियों ने तो जैसे आंख मूंद रखी है। चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म तो जैसे नेताओं की जिम्मेदारी भी खत्म। देखिए अभी तक मतलब जो है, और भी यहाँ के जो रहवासी हैं उनने जो समस्याएं बताई तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन मुझे आप सिर्फ एक चीज़ बताइए कि ये पार्शलिटी क्यों है कि मतलब रोड के उस साइड जो है सेम इसी रोड का सेगमेंट है वो, और वहाँ पर जो है पक्की रोड बन रही है वहाँ पर, और जो है इसको जो है आप छोड़ रहे हैं। इसको इस चीज़ पे जो है मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। काफ़ी टाइम से हम लोग इस नाले के संबंध में लिखा पढ़ी करते रहे, और महा वो अपने विधायिका हैं कृष्ण गौर जी से भी हम लोग मिले, और अपने पार्षद राम बाबू से भी मिले इस संबंध में। कहा उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अमृत योजना में इसको बनवा देंगे, करवा देंगे। आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम लोग अपने व्यक्तिगत पैसे से ये अभी पानी की निकासी करवाई है, इधर ये निकासी करवाई है, अन्यथा ये पानी सीवेज का उबल के
हमारे पूरे इस एरिया में भरा जाता तो ना बच्चे फैमिली बहू बेटियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इस संबंध में हमने सोसाइटी के अध्यक्ष को भी अवगत कराया गया, अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग इस तरह परेशान और काफ़ी हम मच्छर वगैरह इतना हो जाते हैं कि शाम के और सुबह खड़ा होना मुश्किल हो, बदबू से परेशान हैं हम लोग। कॉलोनी वासियों का कहना है कि अगर सड़क निर्माण का कार्य जल्दी शुरू नहीं किया गया तो नगरीय निकाय चुनाव के चलते फिर आचार संहिता लगेगी और एक बार फिर जनप्रतिनिधि वादों के साथ सड़क निर्माण के सिर्फ आश्वासन देंगे। प्रशासन और शासन की अनदेखी से अब तो यही लग रहा है कि अधिकारी किसी बड़ी घटना के इंतजार में हैं। चंद्रिका हाउसिंग सोसाइटी में सड़क, बिजली और सफाई की अव्यवस्था ने सरकार, नगर निगम और स्थानीय प्रतिनिधियों के अपने क्षेत्र के विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। कहने को तो भोपाल में यह पौश इलाका माना जाता है लेकिन रहवासियों की इतनी समस्याएं हैं, ना कोई पार्षद सुन रहा है, ना कोई नगर निगम सुन रहा है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। आइए हम देखते हैं समस्याओं के बारे में। यहाँ देख सकते हैं आप कि सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, लगभग 15 साल हो गए हैं। रहवासियों का कहना है कि 15 साल हो गए अभी तक सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। 15 सालों में यहाँ बरसात में क्या स्थिति होती होगी इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। यहाँ देखे जा सकते हैं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, डिवाइडर के बाहर पत्थर पड़े हुए हैं, जो सड़कें हैं वो धूल से भरी हुई हैं, यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है। रहवासियों का यहाँ तक कहना है कि यहाँ जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो तक नहीं मौजूद हैं, यहाँ रात में अंधेरा रहता है, यहाँ पर असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ पर जो रहवासी हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं वो तक सुरक्षित नहीं हैं। तो ये पार्षद और नगर निगम और ये प्रशासन के बीच में फंसे हुए हैं रहवासी, इनको कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करना चाहिए। कहीं भी एप्लीकेशन देते हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो रोड कब तक बनेगी इसका अंदाज़ा अभी इन रहवासियों को नहीं है, जबकि ये रहवासियों का कहना है कि सड़क के जस्ट 10 मीटर के बाहर देखें तो उधर रोड बनाई जा रही है लेकिन सड़क के इधर रोड नहीं बनाई जा रही। मेन रोड जो है, मेन रोड के उस पार रोड बनाई जा रही है लेकिन मेन रोड के इस पार रोड क्यों नहीं बनाई गई अभी तक अंदाजा नहीं लगा सकता। जो यहाँ के रहवासी हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ पत्थर कभी भी उछल कर किसी के ऊपर लग सकता है। तो अब देखना यह होगा कि प्रशासन, शासन, पार्षद, विधायक और जो नगर निगम है अब इस पर एक्शन लेता है कि वो ऐसे ही टालते रहेंगे। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।